बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सांदल कॉलेज बॉयज सेक्शन ऑनलाइन क्लास फर्स्ट ईयर डियर स्टूडेंट्स हेयर इज़ अख्तर सईद योर इंग्लिश टीचर टुडे वी लेसन नंबर टेन ऑफ इंग्लिश बुक वन फर्स्ट ईयर अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट यानी टड्डी दल का एक मामूली हमला डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही थ्रिलिंग और ज़बरदस्त किस्म का लेसन होने जा रहा है मैं लेसन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख दिए हैं अगर आप चाहें तो उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं विल स्टार्ट ऑन पेज नंबर सिक्सटी टू डियर स्टूडेंट्स पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टडी दल होते कैसे हैं ये उनका एक क्लोज़ व्यू है और ये लाखों की तादाद में हमला करते हैं ये जब भी हमला करते हैं और इनके हमले से बचना इंतहाई मुश्किल काम है ये फ़सलों को खड़ी जो होती हैं उनके सब्ज पत्तों को और दरख्तों के पत्तों को घास को हर चीज़ को ये चट कर जाते हैं और बहुत ही थोड़े वक्त में ये आनन फ़ानन हर सब्ज़ चीज़ को ये चट कर जाते हैं और फसलों को ये तबाह कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स आ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट हैज बिन रिटन बाई डॉरिस मे लेसिंग हु इज नोन एज डॉरिस शी वॉज बॉर्न टू ब्रिटिश पेरेंट्स इन ईरान देन हर पेरेंट्स मूव टू रोडेशिया एंड इट्स प्रेजेंट नेम इज जिम्बाब्वे दैट इज देयर इन अफ्रीका देन शी रिमेंड देयर फॉर मेनी ईयर्स And she settled in London in 1949 till her death. She worked in different genres like novel, short story, biography, drama, libretto, and poetry. Doris Lessing is the oldest person ever to receive the Nobel Prize in Literature at the age of 88 years. Today's story has been taken from her short story collection African Stories that was published in 1981. Now dear students, I would like to give you the brief summary of today's lesson A Mild Attack of Locusts. It is set on a farm in what may be presumed to be Rhodesia, Zimbabwe, that is there in Africa. Dear students, the protagonist Margaret Actually, Margaret is the writer herself, lives with Richard, her husband, and Stephen, her father in law. She observes the worst attack of locusts from the direction of the mountains, and everybody comes out shouting to stop the attack. They try to make noise with metal and cans, they build fires, and throw wet leaves upon them to create more smoke the locusts destroy every green thing that is grass leaves and maize but the farmers are still struggling to keep them stay and lay eggs in the land dear students it is not the story of destruction only but locusts here also stand as a metaphor for the power of nature and the people's belief in the healing power of nature as well

पहाड़ियों की जानब देखती हुई उनमें शामिल होने के लिए बाहर की तरफ लपकी आउट केम सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर आ गए दे ऑल स्टूड एंड गेस्ट गेस्ट मीन्स स्टेयर्ड देखना तकना वो सब खड़े हो गए और तकने लगे ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटन पहाड़ की संगलाख तहों के ऊपर वॉज अ स्ट्रीक स्ट्रीक मीन्स अ लॉन्ग लाइन ऑफ रस्ट कलर्ड एयर लॉकस्ट्स पहाड़ की संगलाख तहों के ऊपर जंग के रंग जैसी भूरे रंग की एक लंबी कतार थी यानी टड्डी दल देअर दे केम वो आ गए थे डियर स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अक्सर पेपर्स में आ सकता है ऐट वंस रिचर्ड शाउट ऐट द कुक बॉय अचानक रिचर्ड बावर्ची पर चिल्लाया रिचर्ड का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है कि रिचर्ड के हवाले से वो कुकबॉय पर चिल्लाया आपने इसको इस रेफरेंस से याद रखना है कि रिचर्ड कुकबॉय पर चिल्लाया था ओल्ड स्टीफन यल्ड ऐट द हाउस बॉय यल्ड मीन्स श्रीकड बूढ़ा स्टीफन घरेलू मुलाजम पर धाड़ा ये आपने याद रखना है कि ओल्ड स्टीफन हाउस बॉय पर धाड़ा था जबकि रिचर्ड चिल्ला के बोला था कुक बॉय से द बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच बावर्ची दरख्त की शाख से लटके हुए हल के पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा ये आपने याद रखना है कि बॉय फिर पला शेयर को बजाने के लिए पला शेयर को मारने के लिए भागा था दैट वॉज़ यूज़ टू समन समन मीन्स कॉल बुलाना लेबरर्स जो मुलाजमों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था एट द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस क्राइसिस मीन्स एमरजेंसी नागहानी आफत मुसीबत के लम्हात में घरेलू मुलाज़म दरख्त से लटके हुए हल के पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा मारने के लिए भागा जो नागहानी आफत के लम्हात में जो मुसीबत के लम्हात में मुलाजमों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था दाउस बॉय रैन टू द स्टोर टू कलेक्ट टेन कैंस घरेलू मुलाजम टीन के डब्बों एनी ओल्ड बिट ऑफ़ मेटल किसी पुरानी धात के टुकड़े को लेने के लिए गोदाम की तरफ भागा यहाँ आपने याद रखना है कि यह जो हाउस बुआई है ये टेन कैंस को लेने के लिए भागा था या एनी ओल्ड बिट ऑफ़ मेटल यहाँ इनको इनके रेफरेंस से याद रखेंगे तो आपके लिए पेपर में इसमें से किसी किस्म का भी कोई एम सी क्यू आ जाए तो आप बड़े आराम से बड़े तहमुल से उसका आंसर दे सकते हैं यानी रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय ओल्ड स्टीफन जल्द एट द हाउस बॉय देन कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशर एंड हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट टेन कैंस द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग क्लैमर मीन्स नॉइज अपरोर एंड गोंग मीन्स बेल मेटालिक प्लेट खेत घंटी के शोर से गूंज रहा था एंड दे सी लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड कंपाउंड मीन्स सहन कोट यार्ड और वो मुलाज और वो मजदूरों को सहन से जौक दर जौक बाहर निकलते हुए देख सकते थे पॉइंटिंग ऐट द हिल्स जो पहाड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे एंड शाउटिंगसाइटली एक्साइटडली हेयर मीन्स इम्पेशली और बड़ी बेसब्री से बड़े जोशो खरोश से चीखो पुकार कर रहे थे और वो मुलाजमों को पहाड़ियों की जानब इशारा करते हुए और बड़ी बेसब्री से चीखते चिल्लाते हुए जौक दर जौक सहन से बाहर निकलते हुए देख सकते थे सुन दे हैड ऑल कम अप टू दाउस जल्द ही वो तमाम घर में जमा हो गए एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वार गिविंग दैम ऑर्डर्स और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उनको अहकाम दे रहे थे हरी 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 जल्दी 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 एंड ऑफ दे रैन अगेन द टू वाइट मैन वथ दैम यह इंपॉर्टेंट एम सी क्यों है हाउ मैनी वाइट मैन टू टू वाइट मैन वैम और वो उन दो सफ़ेद फार्म आदमियों के साथ दोबारा बाहर की तरफ भाग खड़े हुए एंड इन अ फ्यू मिनट्स मारग्रेट कोड सी द स्मोक ऑफ फायरस और चंद मिनटों में मारग्रेट आग के धुएँ को देख सकती थी राइजिंग फ्राम ऑल अराउंड द फाराम लैंड जो खेतों के तमाम अतराफ़ से बुलंद हो रहा था और मार्गरेट ने चंद मिनटों में खेतों की तमाम अतराफ़ से आग के धुएं को बुलंद होते हुए देखा पाइल्स ऑफ वुड पाइल्स मीन्स ढेर अंबार हीप्स पाइल्स ऑफ़ वुड एंड ग्रास बीन प्रिपेयर्ड देयर वहाँ लकड़ी और घास के ढेर लगे हुए थे देयर वर सेवन पैचि इंपॉर्टेंट एम सी क्यों है हाउ मनी पैचिज ऑफ बीयर्ड्स ऑयल सेवन पैचिज ऑफ बीर्ड्स ऑयल पैचिज़ मीन्स कतात स्पेसिस बेर्ड मीन्स एक्सपोज खाली ज़मीन वहाँ खाली ज़मीन के सात कतात थे सात टुकड़े थे येलो कलर एंड पिंक जिनका रंग पीला और गुलाबी रंग का था वहाँ पीले और गुलाबी रंग की खाली ज़मीन के साथ कतार थे वेयर द न्यू मीलीज मीलीज मीन्स बर्ड्स एयर्स ऑफ़ मेज़ मकई की बालियां वर जस्ट शोइंग शोइंगमोदार हो रही थी मेकिंग अ फिल्म फिल्म मीन्स शीट ऑफ ब्राइट ग्रीन जो चमकदार सब्ज़ रंग का पर्दा बना रही थी वहाँ पीले और गुलाबी रंग की खाली ज़मीन के साथ कतार थे वहाँ जहाँ मकई की बालियाँ अभी अभी नमूदार हो रही थीं और जो चमकदार सब्ज़ रंग की एक चादर बना रही थी जो चमकदार सब्ज रंग का एक पर्दा बना रही थी दोनों तरह से ठीक है एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टिड अप ड्रिफ्टिड अप मीन्स राइजिंग बुलंद हो रहा था Thick क्लाउड्स ऑफ स्मोक और हर एक के इर्द गिर्द से धुएँ के बादल ऊपर को उठ रहे थे या ऊपर को बुलंद हो रहे थे They were थ्रोइंग वेट leaves ऑन द फायर्स नाउ अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे टू मेक इट एकड एकड मीन्स बेटर उसे कड़वा एंड ब्लैक और स्याह बनाने के लिए अब वो उसको कड़वा और स्याह बनाने के लिए आग के ऊपर सब्ज़ पत्ते फेंक रहे थे गीले पत्ते फेंक रहे थे मार्गरेट वॉज वॉचिंग हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों की जानब देख रही थी नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग एडवांसिंग मीन्स मूविंग फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहा था अब एक लंबा निचली सतह का बादल आगे की तरफ बढ़ रहा था यहाँ बादल से मुराद वो लोकस्ट्स हैं वो टड्डी दल हैं रस्ट कलर स्टेल जिसका रंग अब भी जंग जैसा था स्वेलिंग फॉरवर्ड स्वेलिंग मीन्स एक्सपेंडिंग फैलना फलना फूलना स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ट जो उसके देखते देखते आगे की जानब और बाहर की जानब फेंक फैल रहा था अब वहाँ एक लंबा निचली सतह का बादल आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया जिसका रंग अभी भी जंग जैसा था और जो उसके देखते ही देखते आगे की जानब और बाहर की जानब फैल रहा था द टेलीफ़ोन वॉज़ रिंगिंग टेलीफोन की घंटी बज रही थी नेबर्स क्विक क्विक देयर कम द लॉकस हमसायो जल्दी करो जल्दी करो टड्डी दल आ गए हैं ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड बूढ़े स्मिथ की फ़सल जमीन तक चट की जा चुकी थी क्विक गेट योर फायरस स्टार्टेड जल्दी करो अपनी अपनी आग जलाओ फॉर ऑफकोर्स वाइल एवरी फॉमर होप्ड द लॉकस्ट वोरलुक हि फॉर्म ओवर लुक मीन्स नज़रअंदाज करना neglect. क्योंकि बिलाशुबा जबकि हर किसान ये उम्मीद कर रहा था कि टड्डीदल उसके खेत को नज़रअंदाज कर देंगे एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट और अगले खेत की तरफ निकल जाएंगे इट वॉज़ ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर एक दूसरे को ख़बरदार करना बिल्कुल एक जायज़ बात थी वन मस्ट प्ले फेयर इंसान को ईमानदारी से ही काम करना चाहिए इंसान को जायज़ तरीके से ही काम करना चाहिए एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड यह एक इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है कि टड्डी दल ने कितने एरिया पर कितने इलाके पर हमला किया था और कितने इलाके पर आग लगी आग लगाई गई थी एवरीवेयर miles माइल्स ओवर द कंट्री साइड इस इलाके के पचास मील तक हर तरफ़ द स्मोक वाज राइजिंग धुआं बुलंद हो रहा था फ्रॉम द मेरीड्स ऑफ फायरस मेरीड्स मींस मल्टीट्यूड्स काउंटलेस बेतहाशा जगहों पर लगी हुई आग से धुआं बुलंद हो रहा था उस देहाती इलाके के पचास मील तक हर तरफ़ बेतहाशा जगहों पर लगी हुई आग से धुआं बुलंद हो रहा था मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स मार्गरेट टेलीफोन सुनती एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट और इन टेलीफोन के वक्फों के दौरान वो खड़ी टड्डी दल को देखती रहती द एयर वॉज डार्कनिंग हवा तारीख हो रही थी strange डार्कनेस एक अजीब अंधेरा फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग ब्लेजिंग मीन्स शाइनिंग क्योंकि सूरज तो चमक रहा था इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर वेल्ट मीन्स ग्रास लैंड ये घास के मैदानों में लगी हुई आग के अंधेरे जैसा था जब बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स जब बहुत ज़्यादा घास को आग लगाई जाए तो फिर सूरज की रोशनी भी नज़र नहीं आती क्योंकि हर तरफ धुएं के बादल फैल जाते हैं वेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक जब हवा धुएं से घनी हो जाती है द सन लाइट कम्स डाउन डिस्टोटिड डिस्टॉटिड मीन्स डीफॉर्म्ड बिगड़ी हुई शक्ल में आ थिक हॉट औरेंज सूरज की घनी गरम नारंजी रंग की रोशनी बिगड़ी हुई शक्ल में नीचे आती है जब बहुत ज़्यादा धुआँ हो जब बहुत ज़्यादा घास को आग लगाई गई हो तो सूरज की घनी गरम नारंगजी रंग की रोशनी बिगड़ी हुई शक्ल में नीचे आती है ओप्रेसिव इट वॉज टू ऑपरेसिव क्रूअल पेनफुलम तकलीफ़ दे, विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉम हैवीनेस मीन्स इमेंसिटी बोझलपन, उस तूफान के बोझलपन के साथ ये तकलीफ़ दे भी हो गई थी द लाकस्ट वार कमिंग फास्ट लाकस्ट टड्डी दल बड़ी तेज़ी से हमला आवर हो रहे थे नाउ हाफ द स्काई वॉस डार्कंड अब आधा आसमान अंधेरे में डूब गया था अब आधे आसमान पर तारीकी थी बिहाइंड द रेडिश वेल्स फ्रंट सामने की तरफ सुरख से पर्दे के पीछे विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वॉम जो के उस गॉल के मुहाफ़ुज दस्ते के तौर पर आगे आगे बढ़ रहे थे उनके पीछे क्या था देंस वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड असल लश्कर उन घने स्याह बादलों की सूरत में नज़र आ रहा था तो सामने की तरफ पेश कदमी करने वाले मुहाफज दस्तों के सुरख से पर्दे के पीछे असल लश्कर असल फ़ौज घने स्याह बादल की सूरत में नज़र आ रही थी रीचिंग ऑलमोस्ट टू सन इट्सल्फ़ जो क़रीब करीब सूरज तक पहुँची हुई थी असल में डियर स्टूडेंट्स यहाँ बताने का मकसद ये है कि यह जो टड्डी दल का हमला था वो कितनी बड़ी तादाद में टड्डी दल ने हमला किया था मैं इसको एक फिर इसका तर्जमा करता हूँ सामने की तरफ पेश कदमी करने वाले मुहाफज दस्तों के सुरख से पर्दे के पीछे असल लश्कर घने स्या, बादल की सूरत में नजर आ रहा था जो सूरज जो करीब करीब सूरज तक पहुँचा हुआ था मारग्रेट वॉज वंडरिंग वट शी कोड डू टू हेल्प वंडरिंग हीयर मीन्स थिंकिंग सोचना मारग्रेट सोच रही थी कि मदद करने के लिए वो क्या कर सकती है शी डिट नॉट नो वो कुछ नहीं जानती थी देन अप केम ओल्ड स्टिफन फ्रॉम द लैंडस तब खेतों से बूढ़ा स्टीफन वापस आ गया वी आर फिनिश्ड मारग्रेट फिनिश्ड हम तबाह हो गए मार्गरेट तबाह दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फॉर्म इन हाफ एन आर ये भिकारी यहाँ भिकारियों से मुराद टिड्डी दल हैं ये टिड्डी दल या ये भिकारी आधे घंटे में खेत से हर पत्ता और घास की हर पत्ती चट कर सकते हैं एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून और ये सपहर का आगाज़ ही है एंड इफ वी कैन मेक ए स्मोक अगर हम वाफ़र मकदार में धुआं पैदा कर सकें मेक एनफ़ नॉइज़ काफ़ी शोर बरपा कर सकें टेल द सन डाउन सूरज गरूब होने तक अगर हम सूरज गरूब होने तक वाफर मकदार में धुआं पैदा कर सकें और काफ़ी शोर बरपा कर सकें देल सेटल समवेयर एल्स पर हैप्स तो शायद वो कहीं और बसेरा कर लेंगे एंड देन और तब गेट द कैटल गोइंग केतली को चूल्हे पर चढ़ाए रखो इट इज थर्सटी वर्क दिस थर्सटी का सिनोनिम है लेबोरियस ये बड़ा मेहनत तलब काम है लुकिंग आउट ऑल ट्रीज वर कुबीर एंड स्टिल कुेर का सिनोनिम होता है सट्रेंज अजीब गरीब बाहर की जानब तमाम दरख्त अजीबो गरीब और साकत थे क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स कीरों से ढके हुए देयर बॉज वेट टू द ग्राउंड बोझ से उनकी शाखें जमीन तक पहुंची हुई थी दि अर्थ सीम्ड टू बी मूविंग जमीन हरकत करती हुई नजर आ रही थी लॉकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर क्रॉलिंग मीन्स क्रीपिंग रींगना टड्डी दल हर तरफ रींगते फिर रहे थे शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल सो सेक वॉज द स्वॉम गॉल इतना घना था कि उसे ज़मीने हर ज नजर ही नहीं आई टूवर्ड्स द माउंटन इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन ड्राइविंग रेन मीन्स हैवी रेन मूसलाधार बारिश पहाड़ों की जानब देखना ऐसा था जैसे मूसलाधार बारिश में देख रहे हो इवन एज शी वॉचड हता के उसके देखते देखते द सन वॉज ब्लॉटेड आउट ब्लॉटेड आउट डिस गायब हो जाना ऑन रश ऑफ दैम ऑन रश मींस फ्लो हत्या के उसके देखते देखते उन के यानि टड्डी दल के ताज़ा बहाव की वजह से सूरज गायब हो गया इट वॉज़ अाफ़ नाइट ये आधी रात का वक्त था अपरटड ब्लैकनेस पर मीन्स डिस्टोट मसक शुदा एक मसक शुदा अंधेरा Then केम अ शार्प क्रैक from अ बुश तब एक झाड़ी से किसी चीज़ के टूटने की तेज़ आवाज़ आई अ ब्रांच हैड snapped off मतलब ब्रोकन एक शाख टूट चुकी थी देन एन अदर फिर एक और अ ट्री डाउन द स्लोप leaned ओवर एंड सेटल्ड heavily टू द ग्राउंड ढलवान पर एक दरख्त झुका और भारी भरकम तरीके से ज़मीन पर आ गिरा थ्रू द हेल ऑफ़ इंसेक्ट्स हेल हीयर मीन्स स्टॉम इन कीड़ों के तूफान में से अमैन केम रनिंग एक आदमी भागता हुआ आया कीड़ों के तूफान में से एक शख्स भागता हुआ आया देर स्टूडेंट्स दीज लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल द करॉप्स फिनिश्ड तमाम फसलें तबाह हो गई नथिंग लेफ्ट कुछ भी बाकी नहीं बचा ही सेड वो बोला बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग लेकिन घंटियाँ अभी भी बज रही थीं द मैन स्टिल शाउटिंग लोग अभी भी शोर मचा रहे थे एंड मार्गरेट आस्क्ड और मार्गरेट ने पूछा वाई डू यू गो ऑन विद इट देन तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं द मेन्म इज एट सेटलिंग सेटलिंग मीन्स लैंडिंग स्टेइंग असल गौल बसेरा नहीं कर रहा है असल गौल टिक नहीं रहा है दे आर हैवी विद एग्ज़ टिड्डियाँ अंडों से भरी पड़ी हैं दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सैटल एंड ले वो बसेरा करने और अंडे देने के लिए जगह की तलाश कर रही हैं इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आर फॉर्म अगर हम असल गॉल को अपने खेतों में बसेरा करने से रोक सकें दैट इज़ एवरी थिंग यही सब कुछ है या यही कामयाबी है इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्ज़ अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया वी आर गोइंग टू हैव एवरी थिंग ईट एन फ्लैट विद हॉपर्स लेटर ऑन तो बाद में उन टिड्डियों के बच्चे हॉपर्स नन्हे मुन्ने बच्चे नन्हे मुन्ने कीड़े हमारी हर चीज़ का सफ़ाया कर देंगे हमारी हर चीज़ को चट कर देंगे ही पिक्ट a stray locust. स्ट्रे कहते हैं आवारा wandering, रोमिंग ही पिक्ट a स्ट्रे locust ऑफ his शर्ट उसने अपनी कमीज़ से एक टड्डी दल को पकड़ा एक टिड्डी को पकड़ा एंड स्प्लेट डाउन स्प्लेट मीन्स चाक कर दिया रिप्ट डाउन विद हिज थंबनेल ये इंपॉर्टेंट सीनों है कि किस चीज़ के साथ उसने स्प्लेट किया था उस टिड्डी दल को थंबनेल उसने अपनी कमीज से एक आवारा रींगने वाली टिड्डी को पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून की मदद से उसे चाक कर दिया इट वॉज़ क्लॉटेड इन साइट विद एग्स ये अंदर से अंडों से भरी पड़ी थी इमेजन दैट मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस जरा तसवर करें इनको लाखों से ज़रब खाते हुए यू एवर अ हॉपर वाम ऑन द मार्च क्या आपने कभी नन्हे कीड़ों को टड्डी दल के कीड़ों को पेशकदमी करते हुए देखा है वेल well, अगर नहीं यू आर लकी तो आप खुशकिस्मत हैं इज़ इट वेरी बैड क्या ये बहुत बुरा है आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली मार्गरेट ने खौफजदा होते हुए पूछा एंड दी ओल्ड मैन सेड इम्फ़ैटिकली एम्फेटिकली फोर्सफुली विगरसली और बूढ़े आदमी ने जोर देकर कहा वी आर फिनिश्ड हम बर्बाद हो गए दिस वॉम मे पास ओवर हो सकता है ये गॉल चला जाए बट वंस दे हैव स्टार्टिड लेकिन एक दफ़ा ये शुरू हो जाएँ दे एल बी कमिंग डाउन फ्राम द नॉर्थ नाउ वन आफ्टर अनदर तो वो शुमाल की जानब से यके बाद दीगरे आना शुरू कर देंगे एंड देन देयर आर द हॉपर्स और फिर नन्हे कीड़े भी तो हैं इट माइट गो ऑन फॉर टू और थ्री ईयर्स इस तरह से ये सिलसिला दो या तीन साल तक जारी रह सकता है फॉर द लाट सेक खुदा का वास्ता सेड मारग्रेट एंग्रीली स्टिल हाफ क्राइंग मारग्रेट ने गुस्से से और तकरीबन रोते हुए कहा वट इज़ हीयर इज़ बैड अनफ जो कुछ यहाँ है वो बुरा है इजेंटिड क्या ऐसा नहीं है फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक अगरचे शाम की हवा मजीद स्या और बोझल नहीं रही थी बट आ कलेर ब्लू बल्कि एक साफ़ शफाफ नीला आसमान था विद द पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स पैटर्न मीन्स अरेंजमेंट्स टोली ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग दिस वे एंड दैट विजिंग मीन्स बजिंग भिन्न बनाते हुए दिस वे एंड दैट इट बल्कि एक साफ़ शफाफ नीला आसमान था जिसके पार इधर उधर भिन्न बनाते हुए कीड़ों की एक टोली नज़र आ जाती एवरी थिंग एल्स इसके अलावा हर चीज़ ट्रीज़ बिल्डिंग्स बुशीज़ अर्थ इसके अलावा हर चीज़ दरख्त इमारतें झाड़ियाँ ज़मीन वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज वो हरकत करते हुए भूरे अजसाम की लपेट में आ गई थी डियर स्टूडेंट्स दिस पैराग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट मार्गरेट ग्रेट प्रिफर्ड प्रीफर्ड मीन्स फेवर्ड चोज़ नॉट ईवन टू सिंक ऑफ दैम लेकिन मारग्रेट ने उनके बारे में सोचने को भी पसंद ना किया आफ्टर द मिड डे मील मैन वेंट ऑफ टू द लैंडस दोपहर के खाने के बाद मर्द हजरात ज़मीनों को वापस लौट गए एवरी थिंग वॉज टू बी रीप्लान्टड हर चीज़ को नए सिरे से उगाना था विद द बिट ऑफ लक एन अदर स्वॉम वुड नाट कम ट्रेवलिंग डाउन जस्ट दिस वे अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक और गौल इस तरीके से सफ़र करता हुआ नहीं आएगा बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही बारिश होगी टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास नई घास उगाने के लिए लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि नई घास उगाने के लिए जल्द ही बारिश होगी बिकॉज़ द कैटल वुड डाई अदरवाइज़ क्योंकि बसूरत दीगर जानवरों ने तो मर जाना था डियर स्टूडेंट्स ये ये फितरत की हीलिंग पार पे उनका ईमान है कि अगर इम्तहान फितरत की तरफ से आता है तो वही मदद करने वाली भी है बट देयर वॉज नाट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ़्ट ऑन द फॉर्म खेतों पर घास की एक पत्ती भी बाकी नहीं बची थी एज़ फॉर माइग्रेट जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था शी वॉज़ ट्राइंग टू गेट यूज टू दईडिया ऑफ थ्री आर फोर यर्स ऑफ लोकस्ट वो टिड्डी दल के तीन या चार साल वाली बात को हज़म करने की कोशिश कर रही थी जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था वो टिड्डी दल के तीन या चार साल वाली बात को हज़म करने की कोशिश कर रही थी लॉकस्ट were गोइंग टू तो बी लाइक अ बैड weather फ्राम नाउ ऑन अब के बाद या अब से टड्डी दल बुरे मौसम की तरह होंगे ऑलवेज़ इमिनन्ट इमिनट मीन्स इम्पेंडिंग जिनका ख़तरा हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा शीफेल्ट लाइक अ सरवाइवर आफ्टर वॉर उसने अपने आप को जंग से ज़िंदा बच जाने वाला महसूस किया सरवाइवर स्टेयर इफ़ दिस डेवस्टेट डेवस्टेट मीन्स तबाहशुदा एंड मैंगल्ड मैंगल्ड मीन्स उजड़ा हुआ रुव डैमेज कंट्री साइड देहात ये और जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं इफ़ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड वॉज नाट अगर ये तबाहशुदा और उजड़ा हुआ देहात तबाही नहीं थी वेल वट दैन वॉज रुअ तो अच्छा फिर तबाही क्या थी दीज लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट फ्राम द

ये अल्लाह ताला की रजा में राज़ी रहने का एक तरीका भी है कि जो भी इम्तहान आता है मुसीबत जो भी आती है वो हमारे अमाल की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से आती है तो हमें मदद भी उसी से मांगनी है और अल्लाह ने ही हमारी मदद करनी है मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा में राजी रहने की तौफीक बख्श दे दैट्स ऑल ऑफ टूडे लेक्चर डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा इसकी समझ भी आई होगी जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकर्स की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं टेल सम नेक्स्ट लेक्चर टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर एंड योर डियर वंस थैंक यू वेरी मच